पूर्व आईएएस अनिल रुटेजा एवं अन्य के विरुद्ध बिलासपुर उच्च न्यायालय से आए फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर ने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शराब घोटाले पर पिछले दिनों आए उच्च न्यायालय बिलासपुर के एक महत्वपूर्ण फैसले में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए घोटाले की कलाई एक बार फिर खोल दी है। इस फैसले से भाजपा द्वारा इन अपराधियों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की एक बार फिर से पुष्टि हुई है। किसी को नहीं घेर रहे हैं, हम किसी को नहीं घेर रहे हैं साहब। दुष्कर्म जहां होता है वो गलत है, उस पर कार्रवाई जो अधिकतम हो सकती है वो होनी चाहिए। ईडी ने क्या किया, इतनी देर से आप प्रेस में थे साहब, माननीय उच्च न्यायालय ने ईडी एसीबी ईओडब्ल्यू के खिलाफ जो याचिकाएं एफआईआर को निरस्त करने के लिए लगाई थी उसको, इन याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि यह घोटाला बड़ा है, इसमें निष्कर्ष तक पहुँचना जरूरी है। आज तक की सबसे बड़ी बैठक कल से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही, उसका प्रभाव देखिएगा। सारे अपराधों को अंकुश लगाया जाएगा, नक्सलवाद 3 साल में खत्म करने का हमारा वादा है, वो करेंगे। मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं साहब, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। जो माननीय उच्च न्यायालय ने 20 तारीख को जो ईडी ईओडब्ल्यू एसीबी के खिलाफ याचिकाएं लगाई थी, अनिल टुटेजा और उनकी सिंडिकेट ने, वो निरस्त कर दिए। जो एसीबी ने मामला दर्ज किया था पहले महीने में 2024 के, उस पर अब जांच स्वतंत्रता पूर्वक हो सकेगी। और अब ये स्थापित हो गया कि ये आरोप राजनीतिक आरोप नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, ये स्पष्ट तौर पे प्रमाणिक तौर पे राज्य के खजाने को लूटने का संगठित अपराध कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक किया है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि यह घोटाला उसकी जानकारी में था कि नहीं था। नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहिए कि ये जानकारी में कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे, और पूरा घोटाला कितने का है, पैसा गया कहाँ, किसके पास गया, एटीएम सरकार थी दिल्ली भेजा गया तो कितना भेजा गया, राज्य में मिला तो कितने लोगों को मिला, कि 70 लोग आरोपी हैं इसमें साहब, छोटे मोटे गिरोह ने काम नहीं किया है, पूरे प्रदेश में समानांतर दुकान चलाते थे। कई मैं कोई लाइन वाइन में नहीं लगा हूँ, एक माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। कब विस्तार होगा ये?